الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة يدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم سب تو پہلے میں سارے مہمانوں کی خوش साड़ी हौसला अफजाई है खुशी हुई है क्योंकि साथी बदने जो कम सौखा हो किश ने तो बंद हिम्मत अच नहीं है कि हम मिलकर इनशाला कम करा तो पठवारी इस वास पठवार से ही कम करना शुरू किया है तो इस आप भी कोशिश होने होनी कि अस पठवारी बोली है आदत पे तो फिर भी उर्दू बिच केंद्र आ किश नहीं है लेकिन हूँ इनशा इस आदत की पुख्ता कर सक ट्रस्ट ना तहसील गुजरखान नहीं सदारत जी है वह सही साँ, साँ, की पेश की थी है जी ये एजाज नहीं हक ट्रस्ट एजाज़ है कि इन्होंने तहसील गुजहान की सदारत कबूल की है और माशाल्लाह नेक आदमी मेहनती आदमी और दर्द रखे आदमी इन शाला इस काम में ज़्यादा बरकत होएगी फिर ते लोग ज़्यादा इन्होंने मोआवन मददगार तो हो तो होर ज़्यादा काम होगा ऑलरेडी तुम लोग पहले ही ये अच्छे काम कर रहे हो तो इन्शल तकवीयत होएगी तो असा जनाब आई इन क्यादत तहसील गुजरहानी सदारत जी है शाह को सौले तो इन्ह नी क्यादत सारा कम करना इन शह शुक्रिया के मैं इस काव नाल सारे बंदे जितने भी है महफल है उन्हें उन्होंने दुआ नहीं दरखास्त है कि असनी जितनी टीम है ये अहदे शौदे ये कोई अहमियत नहीं रखने तो बड़ा अहदा वह है ना तो उसनी ढोर जी है ना वो नि वर्करा ने सिर परी लिहाजा मैं उम्मीद रखना वा कि जी का साहब असा की टीम दसन टीम ना इंतखाब और जड़े बने आप कि अल्लाह ने मखलूक नी, नी खिदमत वास्त पेश कर सन तो वह ऐसा तरीके नाल कम हो सी तो काजी साहब बरसा सारे इज्जत इन्हें सारा तारफ काजी साहब बार आक ट्रस्ट ने कराया तो अज ने एक जो मेहमान बुलाए से चूंकि ज्यादातर बंदे उन्होंने हवाले न लाए तो उन्होंने बुलाने का मकसद कैसा असल्च जी असानी जी बड़ी छतरी है नक ट्रस्ट है उस आक ट्रस्ट की छतरी की पगड़ने सारे जड़े अच्छे अल्लाह रसूल नी खुशनुदी कम करने मिसाल ने तौर तो पर असानी हैया ललफला प्लेटफॉर्म आ शबीर साहब ना पंचन पाग वेलफेयर ट्रस्ट आ काजी साहब और ख्वाहिश यही है कि अस तहसील गुजर खान और खास पूरे पठवार जो अल्लाह और उसने रसूल ने खुशनुदी खुशनुदगी कम करना चाहे नह चाहे किस नाए नाल अपने आप मंसूब कर चूंकि मकसद एक कम करने है इस दौर बब तो बड़े खूबसूरत सोची सकना लेकिन ख्वाबा वास्त तसा की माल जद तक ना हो सी उच तक तो ख्वाब पूरे नहीं हो सकने तो हक ट्रस्ट की छतरी असा की ख्वाब पूरा करने ना राह दसिया और जिस 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 वक्त असा इस छतरी थल ऐसा ना तो इन शाला उस ने ख्वाब भी पूरे हो सन अपने अपने नाए नाल जो चलने पे उन्हें भी इज्जत बढ़ सी और जिसल एक बंदा घलियाँ का कम करना ना जिस बंदे कर तो जिसल चार बंद दस रलित कर सन तो मैं उसनी ताकत भी बदसी और उसने तो अज ने इस मौके पर जकूस नी ख्वाहिश मैं तखी काजी सहाब बारा नहीं जिते खिदमत खलक ना जज्बा रखने उ नौजवाना वास्ता है और खिते पठवर एक और दर्द रखने वो दर्द के असा तो और दर्द ये कि अस नमाज़ पढ़ने अमली तौर पर खूबसूरत गला पाने सब कुछ करने लेकिन जब तक अस अमल की जिंदा ना कर समल तो की जिंदा करने वा पैसा सब तो पहला जरूरी आ तो उसने काजी साहब ने ख्वाहिश है कि अच्छे सोच रखने वाले खासकर जोड़े बेरोज़गार नौजवान ने इन्ह को अच्छी तो आइडिया सीखन और अपनी हक लाल की रोज़ी बरकत पाने इन्ह ना प्लेटफॉर्म मौजूद आसा इन इनवैसटमेंट करो और दो फायदे वे पर उस इनवैसटमेंट नाल यह सी कि तीन कारोबार भी बरकत पैसी ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਖੁਆਬ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਣ ਔਰ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕੋ ਸਲਾਇਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਹਿਨਮਾ ਵੀ ਏ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮਿਲਸੀ ਬਲਕੇ ਤੁਸਾਂ ਤੱਕ ਸੋਣਾ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਰਾਨ ਹੋ ਸੋ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣਨੀ ਪਈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਖਵਾਬਾਂ ਕੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਇਥਾ ਗੁਜਰਖਾਨ ਨੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ जो बहुत समझदार बंदे ने एक आज जी ने इतने पैसे लाई छोड़े लेकिन मैं इन्होंने जज्बात ने तक पहुँचा चाहना कि उन्होंने आख्या पता हुआ कि इतने इतना बड़ा सैटअप बनाया तो इसने बिचू हासल उस ना नहीं आन लगा उ पैसा इस्लामाबाद च लाने और हो जगह लाने तो इन्हे कि चार गुना ज्यादा प्रॉफिट बैर लेकिन इन्ह इस सोच ने मैं कदर करना वा और दाद देना वाँ उन्होंने आख्याई माड़ी जिंदगी रेहगी थोड़ी असाने संगी भी चले गए तो मैं पठोर आलें एक तोहफा दही जुलिया वाँ इस तोहफे ने तो फ़ैल मत है असा नहीं आखरत भी ठीक हो गया असा ने मिशन भी जोड़ा बना हूँ दख तो एनजीओ बनदिया ही ना तो एन जी ओ ये होना कि जब तक फंड उन्हें मिलने रह तो कामयाब होनिया जो फंड मिलने बंद हो गए तो नाकाम हो गएसा तो अज ने इस मौके पर मैं आखी साहब कि असने ने जिमें कम स्पुर्द किता ने आ, उसने जो माड़ी तरजीह है सब तू पहले नंबर पर भाई असा एक ऐसी तंजीम जो तरीका अल्लाह पाक की कुरानी शूरा ने शक्ल दिता असा नहीं कोशिश हो सी कि उस तरह शूरा ने मताबक अस कम करिए उस शूरा का मकसद ये होना कि असाने अंदर जी माशरे ने अंदर जी प्रॉब्लम है वो यी है कि असा अच्छी तंजीम्मा बनाई छोड़ने लेकिन उसना सिस्टम कोई ना बॉडी कोई नहीं होनी तो जिसल एक बंद सरबराह दुनिया में चला गसन तो पिछे सारा मिशन खत्म हो गएसन अगर माड़े सपुर्द जिम्मेारी कीती तो काजी साहब पर आला मतलब अस जिम्मेवारी उस वेल्ले कबूल कर स सा, काजी साहब असं की ट्रेंड करी त मुतमिन हो स वैसे असं इ मतलब चलने ही आ पे लेकिन यह है कि उस मजा है ऐसी कि जिस बेल रनमाई सारे संगी रली तो असं नतीजे पर पहुंचा फिर असानी गड्डी टूरी पैसी तो फिर उस गड्डी नाल जो डब्बे लगसन अग्न इंजन बदलने रैसन इन शाला फिर डब्बे ज टुरने सन असं सार जितने भी तगी आए हो एक स्नेस दिता तो तसें देने मकसद यार कि एक आजीरा ने स्नेस करिया कर पुठवार च और जड़ा की प्लेटफॉर्म दिता कि अपने कारोबार की अपने बिजनेस की बेहतर करो क्योंकि तुम आखो जी माड़े नज़दीक नमाज भी काजी जी कंप्लीट नहीं होनी पर जिस वेल अस नमाज च आखने असानिया जबान निया माल निया बदल द बात फकत थोड़ी जात नहीं खातरियां तो मैं तसो कि को माल ही नहीं तो फिर अगलिया त्रै बा बात कि किस तरह कर सो तो इसे माशरे बस कमी है के असा इस बारे घोचने फिर पठवाहारे बुजुर्ग वो थोड़े डरने आने ज़रा नौकरी करे पक्की नौकरी लबे तो उ तो हूं नौकरी आई तो कहानी कोई नहीं तो जड़े नौजवान हत पैर मारसन अाक मैं जिंदगी ना तजर्बा वाता लिहाजा अला पाक सब तू ज्यादा ना मेहनत करने बंद पसंद आ और ये असा ने खता है एक मॉडल है बड़ी खूबसूरत छतरी है तो इस छतरी नहीं छां थल ब्यो और लोग भी आनो ताकि उन्हें इस कदर वह पता लगे तो अल्लाह पाक काजी की सेहत दे अस मिशन की बहाया ने कामजाबियाँ त फरमाए तुस सारे बहुत शुक्रिया बिसमिल्ल रहीम सबसे पहले मैं आप सभी अहबाब को खुश आमदीद भी कहूँगा और आपने अपना कीमती वक्त निकाल के आप यहाँ तशीफ़ लाए आप सभी अहबाब का ममनूनों मशकूर भी हूँ चूँकि हम एक नेक मकसद के लिए यहाँ पर इकट्ठे हैं तो इसके लिए सबसे पहले अल्लाह पाक की बारगाह से दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताली हमें हमारे मकसद में कामयाबी अदा फरमाए हक ट्रस्ट का एक मख्तसरा तारफ़ो है चूँकि कुछ अर्सा पहले हम सब ने का साहब की जो थी वो ज़ात से वाकफीत सैद आलिमरान शाह साहब की नस्बत से हासिल की तो शाह साहब की उस नस्बत से जो हमें वाकफियत हासिल हुई उसमें बहुत सारी चीज़ें जो थीं वो शाह साहब की जब वो हयात थे तो हम काजी साहब के मुंह से सुना करते थे आपकी ज़ुबान से सुना करते थे कि ये ये मामला हैं ये ये चीज़ें जो हैं आने वाले वक्त में जो है इन शजीज़ हम इनको पाया तकमील तक पहुँचाएंगे और वो जो चीज़ें थी वो जो ऐलाना थे वो सारे के सारे फलाही कामों के लिए थे वो रिफाही कामों के लिए थे अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए ये सारे जो थे वो मामला थे लेकिन अफसोस के शाह साहब ज़्यादा अरसा वो हयात नहीं रह सके और वो तल्लुक कायम नहीं रह सका शाह साहब हमें दागे मुफारकत दे गए तो उसके बाद चालीसवें पे जो एलानात किए गए या शाहब के जनाजे पर ऐलाना किए गए एक तो सबसे पहले शाह साहब के नाम से मौसम जो है वो लाइब्रेरी का ऐलान था वो का साहब ने किया फिर इसके अलावा ये पहले से प्रोजेक्ट जो था वो ज़ेर ग़ौर था कि यहाँ पर एक हॉस्टल तमीर किया जाएगा जो इंटरनेशनल लेवल पर बैन अवी मैार के हिसाब से उसकी तमीर की जाएगी उसमें तमाम जो थी वो मामलों का ख्याल रखा जाएगा तो उसी को जो था वो ज़ेर नज़र रखते हुए ज़ेर गौर रखते हुए ये बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग में वो बेहमद ही ताला अपने जो है वो मराहल में है इख्ती मराहल में है तमीर हो चुका है वहाँ पर जो कमरे हैं वो बनाए जा चुके हैं उनके अंदर जो है वो बस फिनिशिंग के काम थोड़े बहुत रहते हैं वो भी इन शाला जल्द जो है वो कम्प्लीट कर लिए जाएंगे फिर इसके अलावा जो सैयद अल इमरान लाइब्रेरी है उसका जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार कर दी गई है बस चंद एक ज़रूरी मामला हैं कुछ किताबें वहाँ पर मज़ी वहां पर पहुंचेंगी तो उसके बाद उसको फंक्शन जो है फंक्शनल कर दिया जाएगा वहां पर एक सॉफ्टवेयर जो है है वो दे दिया गया जिसमें सारी किताबों का रिकॉर्ड रखा गया है उसको ए ए लेवल लेवल तक जो है ए की लाइब्रेरीज जो हैं लाइब्रेरी तक ले जाने की कोशिश की जा रही है कि दस हजार किताबें एक लाइब्रेरी में होती हैं ए लेवल की लाइब्रेरी वो होती है तो अभी फिल वक्त जो है तकरीबन काफी सारी किताबें वहां पर मौजूद हैं जिनका डाटा भी जो है वो सेव कर लिया गया और इन शाह उसको अंक्रीब जो है वो लोगों के लिए खोल भी दिया जाएगा फिर उसके हवाले से मजीद स्टेप्स भी लिए जाएंगे साथ वाली बिल्डिंग में नीचे एक हॉल भी वहीं पर इत पजीर की जाएगी और इसके अलावा जो गेस्ट आएंगे या दीगर जो इंतजाम होंगे वो उसी, उसी बिल्डिंग में होंगे उसके अलावा इनशा आज, आज आपको इस बिल्डिंग का भी विजिट करवाया जाएगा साथ वाली बिल्डिंग जो है जहां पर लाइब्रेरी है और वह हॉस्टल तमीर किया जा रहा है जहां पर यीम बच्चों को रखा जाएगा उसका विजिट भी इनशाला आपको करवाया जाएगा बस मुख्तर यह कि जो चीज़ें सिर्फ़ सोची थीं, जो चीज़ें महज़ ख़्वाब थीं, वो ख़्वाब जो हैं वो अब आ, हकीकत का जो है वो जामा पहनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और इन ही दिनों में वो आपके सामने जो है वो एक हकीमतमली आपके सामने पेश कर दी जाएगी और हक ट्रस्ट जो है इस चीज़ पर बन यकीन रखता है के का साहब अक्सर जो है वो अपनी बातों में शादात फरमाते हैं कि मैं कारोबार अल्लाह के साथ करता हूँ और यकीनन जो कारोबार जो मामलात अपने रब के साथ इंसान करता है उसमें अल्लाह ताला की मदद जो है वो शामिल हाल हो जाती है और वो पाया तकमील तक ज़रूर पहुँचते हैं नेक तमन्नाओं के साथ नेक दुआओं के साथ बार दिगर अपनी जानब से भी कबला शौकत महमूद काजी साहब की जानब से साहबदादा सां साहब की जानब से भी मैं सभी अब आपब का मशहूरों ममनून भी हूँ अल्लाह ताली सब का आना मकबूल फरमा जोड़े दोस्त बाप कुछ तो माड़े वाकफ नहीं वाकफ माड़ा बेसिकली नाम शबीर अन वहरा दुम ग्रां तलक है माड़ा तो बैकग्राउंड माड़ी पैदाइश यूके नहीं है तालीम और सर्विस भी यूके नहीं है तो ते तेरह साल तो मैं पाकिस्तान सैटल हूँ और पिछले चार साल तो एक छोटी जी तनजीम मैं बनाई सी अपने बजुर्गों ने साले सुभाव वास्तव चार साल पहले वो वफात पाईए उन्होंने साल सुभास पंच पाक वेलफेयर सर्विसिज ने नाए तू थोड़ा जो उसने तारीफ कराई छोड़ो कि असानी उसने दो कोर सर्विसेज एक एम्बुलेंस सर्विस है और एक वेलफेयर लैब है ब्लड टेस्टिंग टैसटिंग गुजरखान शहर और दो सर्विज बिल्कुल कम्पलीटली फ्री किसा भी सिर्फ गरीब नहीं हर एक बंद टोटली फ्री हैं। और और जी छोटी छोटिया असर काफ़ी सर्विस प्रोवाइड करने व्हील चेयर वगैरह विसाखियां पनागा वगैरह भाई जलील क्या नहीं और उन्होंने तकरीबन ज़्यादा बंदे उन्होंने जानने उन्होंने नस्तफी उन्हों वेलफेयर सुसायटी इनकोडीने कोडिनेशन असं कम करने काफ़ी सारे मुश्तर तौर पर लेकिन एक जी साड़ी तनजीम है उसना एक जी मुनफरिद गल है वो है कि असं चैरिटी नहीं हाँ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਏ ਅਸਾਂ ਤਰੇਪਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗਾਲਬਨ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੈਦ ਆਲੀ ইমরান ਮਰਹੂਮ ਨੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਆਖੀ ਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲਈ ਸੀ ਲਗੀ ਸੀ कि इन्हें ये आख्या करने की जगह असल इस्लामाबाद पिंडी है लेकिन मैं ये चाहना कि मैं अपनी जिंदगी ने आखिरी हिस्से अपने इलाके कुछ दे तीन साल तू मैं गाव ग इतने हाजरी होनी रहनी तो मैं समझना के काजी साहब एक अपने इलाके वास्ते बहुत बड़ी सोच रखने और ये मैं समझना कि असा लोगों खुशकिस्मती है गुछाने के काजी साहब जी शखसीयत खास करी फलाई कम गुजरहान वास्ते जो करी रहे और अस जनजीमां चलाने वास्ते इन्हें रहनुमई और इन्होंने सहारा एक बहुत बड़ी चीज़ है तो इन शाला मैं अपनी तरफ अज भी पहले भी मैं आखना शाह साहब और भी आखना सभी की पता मारी सर्विस चौबी घंटे का साहब वास्ते हाजिर जिस प्लेटफॉर्म आखन जिस तरह ये आखसन मैं अपनी खिदमात पेश करना इन्ह मैं आयलैंड गैस कंपनी च आई टी प्रोफेसनल हाँ तो जिला चकवाल मैं इस वक्त फील्ड ही काम करना पे सही नहीम साहब साढ़े बड़े भ्रा भी है कजन भी है पी एस साहब भी है इन्होंने हैया हया ललफिला फाउंडेन काम करने तो फीक असानी जी कंट्रीब्यूशन होनी वो असा इन्ह करने पूरी कोशिश मैं जनाब शबीर साहब और आने वाले तमाम दीगर मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ हमारे लिए बायस और फ़खर का बायस है कि आप लोग यहाँ तश्ीफ लाए बुनियादी तौर पर मकासद हमारे सब के एक ही हैं कि इंसानियत की खिदमत की जाए अपने अपने तरीक़ा है आप भी कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं एक दूसरे से सीवी साहब का शुक्रिया उन्होंने इकट्ठा किया ताकि हम एक दूसरे के साथ आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकें और एक दूसरे की आ, तो बाजू बन सकें एक दूसरे की मदद कर सकें हम लोग यहाँ आर्ग ट्रस्ट की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आर्ग ट्रस्ट पहले तो रलपिंडी में काम कर रहा है एक तवील अरसे के साथ से काम कर रहा है लेकिन गुजर खान में अभी कुछ अर्सा कबल काजी साहब ने गुजर खान के लोगों के लिए कोशिश की कि यहाँ भी कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए कि यहाँ के लोगों की खिदमत क्योंकि ये अपनी मट्टी है अपनी आ, अपना आ, क्या कहते हैं कि वो जहाँ पे आदमी परवरिश पाता है जहाँ की पैदाइश होती है जहाँ पे उसे मोहब्बत एक फितरी अमर है और काजी साहब ने भी इसी जज्बे के तहत हालांकि देखा जाए तो ये जो इतना बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जितनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से यहाँ रिस्पांस शायद उसके आधा हो जितना बड़े शहरों में किया जाए गुजर जा खान कारोबार के लिहाज से कोई इतनी बड़ी पुकशिश जगह नहीं है यहाँ से लोग ज़्यादातर बैरून शहर जाके या बैरून मालिक जाके कारोबार करते हैं लेकिन इनका बुनियादी आइडिया और मकसद ये था कि चूँकि ये हमारी मिट्टी है तो यहाँ पे आके तो अपने लोगों को अपने लोगों के लिए कुछ किया जाए और आप लोगों के लिए ये यकीन ख़ुशी की बात भी होगी कि इन्होंने यहाँ पर जो कारोबार शुरू किए हैं उनमें से एक बड़ा हिस्सा इन इन में, के मुनाफे में से बड़ा हिस्सा जो है हमारे इस ये जो हक ट्रस्ट तहसील को काम कर रहे हैं या रफाई अदारे दो अभी आल में शुरू हो रहे हैं दो तीन उन पर ख़र्च की जाएगी और ये मैं समझू कि बड़ा एक काबिल तकलीद और लाएक तहसीन जज्बा है जो काजी साहब ने शुरू किया इससे पहले आपके रावलपिंडी में तकरीबन पाँच छः सात प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं एक वहाँ पे शबीर साहब की दिलचस्पी के लिए कि वहाँ पे एक ओल्ड होम है जी कई सालों से चल रहा है वहाँ पे वो लोग हैं कि जिन को हमारी सोसाइटी भी बस तब्दीलियाँ रनम हो रही हैं कि जो लोग अपने वालदेन को अपने साथ बावजूद इसी वजह से नहीं रह सकते या नहीं रख सकते या कोई प्रॉब्लम फील करते हैं तो वो उनके साथ जाती हैं करते हैं वो फिर घर छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं और वो ओल्ड होम रालपिंडी में बहुत बड़ी बिल्डिंग है कमेटी चौक के पास वहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे तकरीबन मैंने जिस वक्त विज़िट किया था उस वक्त चौबीस से तीस आदमी थे चौबीस घंटे उनके लिए सर्विस हैं हर किस्म की उनके लिए खदम हैं और इतने उस में पढ़े लिखे लोग हैं कि जब मैं विज़िट करने के लिए तो उनमें एक साहब थे जो इतने बड़े दानशवर और अदीब हैं कि उन्होंने अपनी एक बुक लिखी हुई थी तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इसको शाया कराया जाए और एक साहब जज थे डॉक्टर थे सबक डॉक्टर डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है मतलब है, वो लेकिन बस वाल बच्चों के साथ उनका बराबर इस किस्म के बड़े अच्छे लोग थे लेकिन वहाँ पर क्रेशी साहब हैं बड़ी बड़े जज्बे के साथ उनको खाना खिलाना उनके साथ बैठना उनकी बातें सुनना बहुत बड़, बड़ी बात है बड़ी मुतासर कन बात है इसके अलावा हॉस्पिटल्स में और अस्पतालों से बाहर दस्तरखान चल रहे हैं काफ़ी बड़े दस्तरखान हैं बायदगी के साथ लोगों को खाना खिलाया जाता है उसी आ, सबसे पहले जो खान में का साहब ने प्रोजेक्ट शुरू किया वो यही था कि हमने तहसील हेडकोटर अस्पताल में ग्रीन टीम के आ, मतलब वर्क और सर्विस वो फ्राहम करते थे तो वहाँ पर पेशेंट उन उनके लॉकिन के लिए दस्तरखान शुरू किया था वो फिर कोरोना की वजह से हुकूमत ने उसको रुकवा दिया तो रुक गया वरना वो बहुत अच्छा दस्तर चल रहा था वो फिर शुरू हो जाएगा उसके बाद फिर अगला प्रोजेक्ट था कि आल सैद अल इमरान पठवार लाइब्रेरी और दूसरा जो हॉस्टल का जिक्र हुआ है हॉस्टल एक बहुत खूबसूरत और बहुत शानदार प्रोजेक्ट है जो शुरू कर रहे हैं बुनियादी मकसद उसका ये था कि तहसील गुजरा खान सिर्फ तहसील गुजरा खान के वो यतीम बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वसाइल की वजह से नहीं पढ़ सके उनको हम पढ़ाएँगे भी और रहश अली तरीन रहायश मतलब अव्वल दर्जे की रहायश और सर्विस फ्राह्म करेंगे उसके लिए बिल्कुल ये बिल्डिंग काजी साहब ने साथ ली थी तकमील के जैसा कि नईम साहब ने काज साहब ने कहा कि वो तकमील के आखिरी मराल में जो अगला तलीमी सेशन शुरू होने वाला है उम्मीद है कि हम वहाँ से शुरू कर देंगे आ, आ, उसके लिए आ, बड़ा ट्रेंड स्टाफ होगा माए होंगे जो उनको पाँच सात आठ दस बच्चों पे एक जो होगी वालदा होगी ट्वेंटी फोर आवर्स उसको तैयार बच्चों को घर के माहौल की तरह तैयार करना और स्कूल भेजना क्षेत्र स्कूलों में उनके दाखिले दिलवाए जाएंगे और उसका नाम बड़ी यहाँ पे बहस बैसे के बाद है तो वो बुनियादी तौर तो पर जितनी बच्चों के लिए तहसील के खान के जितने बच्चे हैं लेकिन उसको हम नाम नहीं वो दे, देना पसंद करते ताकि उनमें किसी में एसास कमतरी ना आए इस वजह से उसको हॉस्टल का नाम दिया गया है हॉस्टल में इतने स्टैंडर्ड का होगा कि जो लोग किसी और वजह से बैन ममालिक में बच्चों को दाखिला दिलवाना चाहते हैं हम उनको भी दाखिला दिलवाएँगे और वहाँ बच्चे इंडिपेंडेंट होंगे और उनके अखराजात सारे जो है वो हक ट्रस्ट बर्दाश्त करेगा बच्चे ये नहीं समझेंगे हम किसी जतीम खाने में बैठे हुए हैं वो अला तलीम हासिल करेंगे तो आ, इस तरह ये इब्तदाई आप समझ लें कि गुजर खान में हक ट्रस्ट के तहत तीन आ, काम हैं एक दस्तरखान एक हॉस्टल और लाइब्रेरी लाइब्रेरी हमारा बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट है इसका मतलब है कि ये भी था कि पुठवार के, के कल्चर को प्रोमोट किया जाए और सैयद अल इमरान साहब की खिदमत को खराज तहसीन पेश करने के लिए उनका काजी साहब के साथ हम सब लोगों के साथ जो जो भी बंदा उनके साथ एक दफ़ा मिला सब के साथ इतना प्यार मोहब्बत का रिश्ता था कि हर आदमी उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है तो काजी साहब ने वहाँ जो तकरीब हुई थी पहली कुल की या चालीसवें की वहाँ पे लान किया था इसका और आप देखें कि बहुत जल्दी ये पाया तकमील को पहुँच गया तो नईम साहब ने दौरान गुफ्त को जिक्र किया पैसे का वो ठीक है लेकिन मैं यहाँ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अभी तक काजी साहब को बायस से कोई डोनेट डोनेशन नहीं मिली ट्रस्ट अपने वसायल के साथ आगे चल रहा है और आगे बढ़ रहा है और इन ਅ ਬੜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਥਾ ਮੁਖਸਰ ਸਾ ਤਾਰਫ ਹਮ ਕਰਵਾਣਾ ਚਾ ਰਹੇ ਥੇ ਅੱਜ ਵਕਤ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਾ ਕਮ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੋਂ ਸੈਨ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਥਾ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖ دانشਵਰ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ وجہ ਸੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਵੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਯੋਂਡ ਬਾਰਡਰਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਸੈਂਟ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਉੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਗੁਜਰਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟਾਊਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੱਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ education uphel ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਇਤਲਾਮ ਇਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਜ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਕਲ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਰ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ हरिया जी हाउस बिल रजिम बिस्मिल्ला रहमान रहीम पाक है के जिस पाक मोहम्मद मुहमद मोहम्मद अलमुसलाम की खलक करके आदमियत आदमीयत छुपी इंसानियत की जला बख्शी हजरात मोहतरम चूँके गल् बहुत सारिया हो चुकिया साई नईम साहब बड़ी ख़ूबसूरत गुफ्तगू न इस एक गैर रस्मी मैं अक्सर तकरीबना आगाज़ किया और इन्होंने दिन सुमे वैसे भी बहुत ज़्यादा मुतासर होना क्योंकि बड़े खूबसूरत इन्होंने को लफजियात एक लिखिया एक क्रिस्टोफर शेकर अपनी किताब बच्चे के वेन द अर्थ वाज अ बिग बैंग उस तू बाद जिसने पर सूरज न छुआ पफरीका एक मुल्क सी, जिसने मत्थे पर पहले छो पूरज नहीं और दूस जिता से पोठोहार से यानी अगर अस इंसानी तहजीब और इसनी इर्तका नहीं गल करिए तो इतना पुराना है खिता तो ये कल्चर जोड़ा अपना-अपना गया और इत सच हूँ इस दौर मैं समझना कि पोठोहार नहीं इस तारीख और इसने कल्चर इसने लोक अदब इसनी रैतल इसनी लोक स्थान ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਸਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ੌਕਤ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਯਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਪੈਦਾ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਕਲਚਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਨਾਰਮਸ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿਤਲ ਹੈ ਲੋਕਦਬੈ ਲੋਕ ਦਸਤਾਨ ਉਸकी ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਸਨ ਉਸਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਸੂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ किरदार मैं समझना है कि दौरे आज़ार एक शख्सियत सैयद आल इमरान उन्होंने ना पर एक लाइब्रेरी ना क़्याम और फिर उस लाइब्रेरी ने क्याम मैं क्यामें कि माड़े वास्त बड़ा एजाज़ है कि उन्हें मारे की मुंतब की कि मैं उसने इंतजाम इंसराम की तकसा क्योंकि माड़ा तो अलग एक ऐसे कराने ना वो भी माड़े कजन सन। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਲਿਗੇਸੀ ਜਿਸ ਕੀ ਅਸਾਂ ਆਖਣੇ ਆ ਉਹ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਮਿਲੀ ਉਹ ਸੈਦ ਅਖਤਰ ਇਮਾਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖਿਤਾਏ ਪੋਠਵਾਰੀ ਚ ਉਹ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਆਬਿਆਰੀ ਆਲ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਰਾਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਰਖਤ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਨਾ ਕੰਮ ਮੇ ਬਣਨਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਸ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਲਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੀਏ ते मैं में आप एक बड़ा खुश नसीब समझना कि मैं इतने इतने रोशन चेहर मैं बैठा हुआ। और हो रोशन चेहरे न शबीर साहब के जिनानी रोशनी जिन्हनी लोई नाह मिलना और असा अपनी मंजिल नातेन करके तो उस राह पर पे चलने हैं यकीनन यकीन तुसान तवजोहत निया सोचा तुसा ने तम जड़े जुड़े इन सारे कम नाल इस वास्तव तुस इस बेलें इत मौजूद हो तो मैं इस प्लेटफॉर्म पर गुजारिश कर सां कि सामकाज साहब शुरू किए पठौहार ने रिलेटेड जिसने विच अवलीन है नोए इंसानी निफिला और बहबूद जिसने वास्ती तो सारे लोग बड़े खूबसूरत अंदाज़ नाल बहुत मैं तकना रहना मैं पढ़ना भी रहना तहत खूबसूरत अंदाज़ न सारे काम पे करने हो तो एक गुलदस्ता बढ़ना गाँ जिसनी खूबसूरत खुशबू है खूबसूरत रंग रंग मजय गुलदस्ता तजुहात इस तरह चाह नहीं हो सकता क्योंकि तब बगैर असा कुछ भी ना और मोब्त भी चुजो रह रह मेरा नाम मलिक खालिद परवेज़ है तो इधर के ऑपरेशन जितने भी है काजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के वो देखता हूँ और काजी ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ए, ये ग्रुप ऑटो सेक्टर में इसके चार शोरूम हैं सुजुकी गुजर खान मोटर सुजुकी मुजफ़राबाद मोटर सुजुकी दौर मोटर सुजुकी कलर सईदा मोटर इसके अलावा थर्टी uh, सेवन शोरूम हमारे जो हैं बाइक्स के हैं जिसमें हम होंडा में हैं यामा में हैं सुजुकी में हैं और चाइनीज बाइक्स में इसके साथ हमारे जो uh, रियल इस्टेट का बिजनेस है उसमें पहले हमारा मोटरवे सिटी था अब एग्जेक्टिव मोटरवे सिटी हमारा एक है जो कि नए एयरपोर्ट के साथ उधर से साढ़े पाँच किलोमीटर के ऊपर है इसके साथ हम कंस्ट्रक्शन में तो गौरी में जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट है क्राउन विस्टा है क्राउन क्लासिक है मलिक आर्किट है काजी माल है फिर काजी साहब का गांव कुतबाल है तो कुतबाल की तरह इन्होंने खन्ना पुल के साथ एक पूरा एक छोटा सा टाउन बसाया है उसका नाम कुतबाल टाउन है उसमें घर भी बने हुए हैं काफ़ी तादाद में फ्लैट्स भी हैं और वो इनका वहाँ पे है फिर हम फूड के बिजनेस में हैं फूड के बिज़नेस में बैरिया सेवन में हमारा बर्गर किंग है पिज्ज़ा हट है और एक ब्रदर फूड्स के नाम से हमने और चेन बनाई है जिसको लेके जा रहे हैं और एक चिकन स्पॉट के नाम से भी हमारी चेन है इसके अलावा भी वेलफेयर के तो हमारे बाग़बान के नाम से हैं जो हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल रावलपिंडी है या यहाँ है और इसके अलावा आठ और जगह हैं जहाँ पर हमारे दस्तरखान चल रहे हैं फिर जो बच्चे हैं तालीम हासिल करते हैं गुजर खान के और मेरिट पे आते हैं और वो उनके वालदेन जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकते तो उनकी मुआवनत भी करते हैं और अब ये साथ वाला जो प्रोजेक्ट है हम विजिट कराएंगे और ये वाला जो है इसका काजी ओशियन माल नाम है इसमें सुजुकी का जो सेटअप है वो भी और फिर नीचे एक पाकिस्तान का पहला इंडोर वेव्स पूल है उसके साथ स्टीम सुहाना और ये है और वो पूरा एक हेल्थ क्लब बनेगा बच्चों का बनेगा फिर फूड कोर्ट है फिर इसके अलावा हम और कई हमारे प्लान्स में हैं अभी मैं आपको फ्लोर दिखाऊंगा और ये वाली बिल्डिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा इरफान पट्टी ना और मेरा ताल्लुक बेसिकली मंदरे नाल सा ग्रां रमयाल उतने वाले तालुका लेकिन ग्राएँ तो घट असा टाइम गुजारे ज़्यादातर अगें पिछे रहे सारे वाल साहब जिते अपने रोज़गार ने सिलसिले रहने रहे नाल फिरने रहे मुल्क ने अंदर ही तो मुल्क सुबह भी लेकिन इसलिए तो मैं लालाजार तुलसा रोड सैटल हाँ लेकिन असान फ्रीकुंटली चक्कर लगना रहना गुराए ना और कुछ अरसे पहले जरा दोबारा एक असान इंटरैक्शन हुई साहबजादा साहब नाल और जिस टाइम मजीद कुछ माड़ी एक्टिविटीज हिंसा वो मैं शेयर की काफ़ी इन्हें एप्रीसीएशन भी मिली इन्हें मॉरल सपोर्ट भी मिली और जिस तरह जिक्र किया कि असा एफ एस निंजय अकैडमी नए सो एक मार्शल आर्ट्स ना सैटअपा जो पिछले इकती सालों मैं रन करना पे पिंडी इस्लामाबाद ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਇਨਾ 31 ਸਾਲਾਂ ਚ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਇਸ ਅਲੇ ਗੇਮ ਹੋਣੀ ਪੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋ ਵੀ ਨੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲਬ ਔਰ ਉਨਾਂ ਚ ਇਨਡੋਰ ਵੀ ਹੈ ਆਊਟਡੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਕਰਾਣਿਆ ਨਿੰਜਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਜਪਨੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਆ ਪੈਂਕਰੈਥਿਓਨ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗ ਸੈਂ ਮੈਮੇ ਨੀ ਫਾਈਟਸ ਤੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਈਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਪਠਵਾਰਨਾ एक लिंक मुंसिर शाह साहब दसने से पे कि उसक्रज़म की भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस इस जगह से मिली और अगर अस और थोड़ा डीप गछी है बल्कि मैं इंडिया सॉरी ईरान ने अंदर स एक दफ़ा तो कुछ दुनिया ने मुख्तलिफ़ ममालिक लोग बैठे से और जिसल कोई तारफ होया भाई पाकिस्तान ने हवाले न उत ग्ररीक बंदा यूनान ना ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ইরਾਨੀ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਡੜਿਆ ਬਾਵਾਜ ਦਾ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾੜਿਆ ਬਾਵਾਜ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਗਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ইরਾਨੀ ਉਸकी ਆਖਣ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਪੋਠਵਾਰ ਆਏ ਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਸੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਾਫੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲੀ ਤੂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਥੋੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਉਸ ਤੰਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਾ ਬੋਲੇ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ ਇਸਟਰੀ ਡੜੀ ਹੈ ਐਜ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹੋਣਾ ਸਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸਹੋਣਾ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੋਣਾ ਸਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਾ ਹੌਸੈਲ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅਸਣ ਲਈ ਪੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਆਪੈਚ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਪਰ ਬਹਰਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੋਠਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਾਰੀਖ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਪੋਠੋਹਾਰ ਬੜੀ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲਕ ਪੋਠਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ Uh, मैं एक एन जी ओ बनाई सपोर्ट्स फॉर पीस ने ना इसम और रजिस्टर्ड एन जी ओ इस्लामाबाद इस असं कराई सो और उसना मकसद यही सक स्पोर्ट्स ने एक्टिविटीज़ की रिवाइव करिए दोबारा क्योंकि असा तकड़े हाँ कि पिछले दो त्रै दहाइया जड़िया गुजरिया दुनिया ना कल कल्चर और पाकिस्तान ना भी काफ़ी चेंज होया लोग बहुत ज़्यादा ये समझो कि माधी चीज़ा पास लोगों रुझान होवाइव करने से है ਕਿ ਇੱਕ ਟਫ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਡਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਬਸ ਦੋ ਦੋ ਤਰੇ ਤਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਬਸ ਘਰ ਬਣਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੀ ਪੜਾਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਸਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਔਰ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਗਸਨਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਤੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਣੇ ਹੋਣੇ ਸੇ ਲੋਕ ਖੇਡਣੇ ਸੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵੜ ਗਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਡਣ ਸਿਰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸਨੀ وجہ ਸੁੜਾਣਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਸਾੜੇ ਡੜੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਪਰ ਟੈਬਸ ਪਰ ਰਹਿਣੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਬਸ ਆਪਸੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰ ਖੇਡਸੋ ਸੰਕ੍ਰਿਟ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪਰ ਖੇਡਸੋ। ਤੁਸਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਤੋ ਉਸ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਕੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੋ ਸਾਂ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੈਸੋ ਸਤ ਤੱਕਣਾ ਕਿ ਟੀਨੇਜਰ ਬੱਚਾਂ ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਲਗੀਆਂ 12 14 ਸਾਲ ਨੇ ਆਈ ਨੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕਦਸ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਉਪਰ ਬੜਾ ਉਸਨਾ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਦਸਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਰੇਕਟਰ ਉਪਰ ਬੜਾ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਦਸਨਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਮੜੀ ਆਪਣੀ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਬੰਦੇ ਕੀ ਡਿਸਪਲਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ना सिर्फ उस फिजिकली बंद की फिट करनी बल्कि मैंटली भी स्ट्रोंग करनी असान ये ख्वाहिश है कि क्योंकि साल्लुक पुठहार नाल है कि असं वो कल्चर कम अस कम पुठहार नहीं हद तक जो सा रिसोर्स उन्होंने की इस्तेमाल करिए और कल्चर रिवाइव करिए बच्चों की अपर्चुनिटीज मिलन खेलने दी हर तरह दियाँ तो इन शाला असा कादी छोकर साहब न मुलाकात रही उन्होंने बड़ा एप्रीशिएट किया कुछ साइ एक्टिविटीज उन्हें वॉच भी कितिया साहबजादा साहब ना बड़ा तामन रहा और इरफान शाह साहब इन्होंने सारे ना मिली तीन इन शहर प्लैन आ कि अस अपने इलाके खास तौर पर जल्द कोई जल्द से जल्द कोई इस तरह नहीं प्रोग्राम अस शुरू करिए रिसेंटली एक चूंकि असानी जो एक्टिविटीजियाँ खासतौर पर मार्शल आर्ट जेपनीज़ मार्शल आर्ट आ और जेपनीज़ ज पाकिस्तान अम्बैसी है जपान ने काफ़ी एप्रिशिएट करने उन्होंने माड़ेल बड़े कलोज तल्लुक है इवन एम्बैसडर कई दफ़ा मैं अम्बैसी बुलाई चुक और एक तरह की मॉरल सपोर्ट अस नहीं करने हो, और चूंकि जो आर्ट असा ना वो जैपनीज आ तो वो बड़े इस चीज़ की खुश है कि असा उन्होंने आर्ट की प्रमोट करने हाँ पे तो उससे कुछ अरसा पहले फर्स्ट सैक्टरी पोलिटिकल है जपान अम्बेसी ने सबजादा साहब ना, ना, उस ज़्यादा ना ले मुलाकात उसने हुई और उस बड़ी खुशी ने इजहर किया उस अपने आर ताराण तावन ने भी यकीन दिलाया कि इनशाला जो भी तुम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह कर सौ तो भी इनशाला सी पूरी मॉरल सपोर्ट कर सी शुक्रिया